खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के माध्यम से भारत सरकार सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 8 में गलत तरीके से संशोधन कर रही है, जिसकी वजह से सूचना के अधिकार कानून प्रभावित होगा और आम जनता को जो जानकारी अब तक जद्दोजहद कर मिल जाया करती थी, उसे प्राप्त करने में बेहद कठिनाई होगी। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के प्रस्तावित मसौदे पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा है कि इस बिल की धारा 29 और 30 के माध्यम से सरकार आरटीआई कानून को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां धारा 29 ओवरराइटिंग इफेक्ट करती है, जिससे यह कानून अन्य कानूनों पर सर्वोपरि होगा, वहीं धारा 30 आरटीआई कानून की धारा 8, जिसमें व्यक्तिगत लोक हित से जुड़ी हुई जानकारी दिए जाने का प्रावधान रहता है, वह भी अब आम व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकेगी। ऐसी जानकारी जो अब तक विधायकों और सांसदों को प्राप्त हो जाया करती थी, वह जानकारी भी अब आम नागरिकों को प्राप्त नहीं होगी। कुल मिलाकर यदि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का वर्तमान मसौदा पारित हो जाता है, इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा आघात लगेगा। शिवानंद द्विवेदी ने डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के वर्तमान मसौदे को वापस लेकर धारा 29 और 30 के साथ धारा 2 में भी पर्सनल डेटा की परिभाषा को भी संशोधित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि वर्तमान डाटा प्रोटेक्शन बिल इस स्वरूप में पारित होगा तो उससे आरटीआई कानून खत्म हो जाएगा। आगे देखें उन्होंने इस विषय पर और क्या कहा है। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का जो मसौदा तैयार किया गया है और उसे ऑनलाइन रखा गया है, उसमें आम जनता से फीडबैक मांगा गया है, तो उस विषय में हमें ये कहना है कि वास्तव में जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल DPDP शॉर्ट में इसे बोलें, इसमें जो RTI कानून का संशोधन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी धारा 29(2) और 30(2) DPDP 2022 बिल के इन दो धाराओं में RTI कानून को बुरी तरह से संशोधित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे होगा क्या कि आने वाले समय में जो आम जनता जानकारी के लिए परेशान है, उसको जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि धारा 81J RTI की जो है वो पूरी तरह से इसमें हटाई जा रही है। और दूसरी बात, इसमें यह लिखा जा रहा है कि DPDP बिल 2022 एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा, मतलब अब तक के जितने भी कानून आए हैं उनके ऊपर इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, मतलब ये कानून का पालन किया जाएगा और यदि पिछले कानून किसी भी तरह से इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन कानूनों की अनदेखी की जाएगी। तो हमारा सिर्फ इसमें सरकार से यही कहना है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की, कि RTI कानून के साथ आप खिलवाड़ ना करें, यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि RTI कानून पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कानून है। इसमें ऑलरेडी इतने संशोधन किए गए हैं कि इसको इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है, लेकिन जो भी शेष है वह पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पर, ये जो आप इसमें संशोधन कर रहे हैं DPDP बिल के नाम पर, ये बहुत गलत होगा और इससे कोई भी जानकारी आम जनता को हासिल नहीं हो पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पर, व्यक्तिगत सूचना के नाम पर डिनाई कर दी जाएंगी और इससे जो पारदर्शिता और जवाबदेही पर पूरी तरह से एक तरह से पर्दा डल जाएगा और आम जनता छोटी से छोटी जानकारी के लिए भटकेगी। तो DPDP बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो मसौदा आपका है, उसमें 29(2) धारा 29(2) और 30(2), इसमें आप गंभीरता से विचार करें और इसमें वो सारे प्रावधान आपने जो अभी तक रखा है वो हटा दें जिसमें RTI कानून को नुकसान होने वाला है। यही इस विषय में हमारा यह कहना है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो देश के अन्य भी हमारे RTI कार्यकर्ता हैं, आम जनमानस है, पत्रकार साथी हैं, वो भी इसमें जागरूक हों और इस कानून में RTI के साथ जो खिलवाड़ किए जाने का प्रयास है, उसको प्रभावित किए जाने का प्रयास है, उसके विषय में आवाज़ उठाएं।